हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। शिफालीस किचन में मैं भावना गोयल आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज आपके साथ गार्लिक ब्रेड कैसे हम घर पर तैयार कर सकते हैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, और वो भी दो तरह से हमने ये गार्लिक ब्रेड बनाई है, सिंपल गार्लिक ब्रेड और दूसरी जो स्टफिंग वाली होती है वो हम यहाँ पर तैयार करेंगे। बाहर से एकदम से क्रिस्पी बन आता है इस ब्रेड के अंदर और अंदर से उतनी ही सॉफ्ट होती है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल जिसे कहते हैं हम मोजरेला चीज़ इसमें जब यूज़ करते हैं ना, तो आप उसको देख सकते हैं कि उसका किस तरह का टेक्सचर इसके अंदर आता है, बिल्कुल चीज़ी बनती है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल और इसके अंदर लिया है मैंने गुनगुना पानी और 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर चीनी ली है, शुगर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद जैसे ये शुगर मिक्स हो जाती है हम इसमें 1.5 टीस्पून ही यीस्ट का यूज़ करेंगे। यीस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम रख देंगे कवर करके 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितना फूल चुकी है ये और इसमें एक स्मेल से आनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आपकी यीस्ट पूरी तरह से तैयार है। अब मैंने इसमें काली मिर्च यूज़ की है 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने इसमें यूज़ किया है ऑरिगैनो, 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं और 1/2 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर नमक का यूज़ किया और 1/2 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने यूज़ किया था गार्लिक पेस्ट का। इसके साथ ही मैं यहाँ पर 2 बड़ी कटोरियाँ यहाँ पर मैदे की यूज़ कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे जितना भी हमारा ये मिक्सचर तैयार हुआ है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है, पानी भी हमने गुनगुना ही लेना है यहाँ पर, ज़्यादा गर्म नहीं लेना है ना ही ठंडा पानी का यहाँ पर यूज़ करना है, गुनगुना पानी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और सारे आटे को हम इकट्ठा कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, इस आटे को हमने हाथों से मसल मसल कर 10 से 15 मिनट तक हमने इसको मसलना है, और मैंने इसको इकट्ठा कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बेटर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा बैटर है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और इक्वल हो जाता है, कोई भी इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है। और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून घी यहाँ पर यूज़ किया है, कोई भी घी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट बीटर चलाया मैंने और उसके बाद आटा कितना हमारा फ्लफी बन चुका है और साथ में कितना सॉफ्ट ये तैयार हुआ है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सॉफ्ट है, एक जैसा आटा ये तैयार हुआ है। अब फ्रेंड्स, मैं हाथ के ऊपर थोड़ा सा घी ले लेती हूँ और इसको हम हाथ को ग्रीस कर लेते हैं और थोड़ा सा घी इसके अंदर डाल देते हैं आटे के अंदर, ताकि क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी जब हम आटा वैसे भी घर पे करते हैं तो उसके ऊपर पापड़ी से आ जाती है, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं। अब फ्रेंड्स, हम इसको कवर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए। गर्मियों में 2 घंटे का टाइम काफ़ी रहता है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये फूल चुका है, और इसको हम थोड़ा सा और निकाल कर हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल से, और इसको हमने 2 से 3 मिनट तक और मसल लेना। थोड़ा सा हम सूखा जो आटा होता है वो हम पहले गिरा लेंगे और उसके बाद हम इस आटे को अच्छे से मसल लेंगे, और कितना सॉफ्ट आटा आप देख सकते हैं, और ऐसे ही आटा हमें चाहिए इस ब्रेड को बनाने के लिए। जब अगर हमारा आटा ठीक होगा ना तो ब्रेड बहुत ही बढ़िया बनेगी फ्रेंड्स, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर बेटर नहीं है आपके पास तो कोई ऐसी बात नहीं, आप हाथ से इसको मसल मसल कर ये काम कर सकते हैं। मैं हाथ से मसल कर आपको दिखा देती, बट एक्चुअली मेरी भी प्रॉब्लम चल रही है फिंगर्स में, हाथों की पेन बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से मैंने बीटर का यहाँ पर यूज़ किया है, नहीं तो हाथों से भी ये बहुत अच्छा आटा बन जाता है। अब फ्रेंड्स, हम इसके 4 मैंने डिवाइड कर दिए 4 पोर्शन में, और इसका 1 पोर्शन हमने यहाँ पर लिया है, इसको हम हाथों की हेल्प से ही बेल लेंगे। अगर आपको यहाँ पर बेलन का यूज़ करना तो आप कर सकते हैं, बट ये इतना सॉफ्ट होता है आटा, तो आप हाथ से ही इसको बना सकते हैं, एक बेल कर इसको तैयार कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया है बटर, मेल्टेड बटर से हम इसको ब्रश की हेल्प से इसको लगा देंगे पूरे आटे के ऊपर, जो हमने रोटी बेली है एक, और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ हरा धनिया। बहुत ही इजी है इस ब्रेड को घर पर तैयार करना, और साथ में मैं यहाँ पर थोड़ा सा ले रही हूँ सूखी कस्तूरी मेथी जो होती है वो डाला है, और मैंने यहाँ पर डाली है थोड़ी सी ऑरिगैनो, तो ऑरिगैनो तो ब्रेड में बनती ही बनती है। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट, अगर आप चाहें तो गार्लिक की पेस्ट को आप घी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं और उसको मिक्स करके लगा सकते हैं, वो इजीली लग जाता है। मैं एक्चुअली पहले लगाना भूल गई थी डालना घी के अंदर। अब मैंने थोड़ा सा नमक और मोज़रेला चीज़ मैंने यहाँ पे इसमें ऐड की है, और इसको हम ऊपर वाला हिस्सा जो हाफ हिस्से में हमने ये काम किया था और हाफ इसका जो रोटी का पोर्शन था हम ऊपर वाला वो इसके ऊपर ढक देंगे और इसको ऐसे हाथों की हेल्प से हर तरफ से दबा देंगे। अब मैंने एक कंटेनर लिया है 3 का और इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। अब फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे ब्रश की हेल्प से, ताकि ये सूखे ना जो हमारी ब्रेड होती है ऊपर से।
इसका टेक्सचर अच्छा सा बनकर आए। और साथ में हम यहाँ पर थोड़ा से चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो लगा देंगे ताकि थोड़ा लुकिंग में भी अच्छी लगे। तो फ्रेंड्स इसको हमने रखना है ओवन के अंदर 180 डिग्री पे, आप इसको रख सकते हैं 20 मिनट के लिए। पहले प्री हीट कर लीजिएगा आप इसको ओवन को। तो फ्रेंड्स इसको हम रख देते हैं और इसके बाद ही हम दूसरे स्टाइल से जो हमने तैयार किया स्टफिंग वाली गार्लिक ब्रेड वो हम तैयार करेंगे। सेम वे है इसको बनाने का, बेलने का, हाथों की हेल्प से आप इसे तैयार करें। बहुत ही ईजी होता है क्योंकि डो हमारा बहुत ही सॉफ्ट होता है तो हाथों से बहुत ईजिली ये बन जाता है। अब हम इसके अंदर भी बटर डाल देंगे। बटर में मैंने अब गार्लिक पेस्ट इसमें डाल लिया हाफ टी स्पून और इसको हम लगा देंगे। इससे क्या होता है गार्लिक हमारा अच्छे से लग जाता है आटे के अंदर। पहले मैं ये डालना भूल गई थी तो अब मैंने इसे डाल दिया है। तो इसको हम लगा देंगे हर तरफ से और इसमें हम ऐड करेंगे सूखा हरा धनिया यहाँ पर। और हम यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया है कॉर्न। कॉर्न आप डाल सकते हैं, स्टफिंग में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको सब्जियाँ पसंद हो, शिमला मिर्च, गाजर, जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। आप इसमें मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऐड किया है थोड़ा सा प्याज कटा हुआ और मैंने यहाँ पर ओरिगैनो यहाँ पर यूज़ किया और साथ में यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ऑलिव्स का। जो भी आपके पास अवेलेबल हो घर में उस टाइम जब आप ये तैयार कर रहे हो ब्रेड, तो आप उन चीज़ों का इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ओरिगैनो पाउडर डाला है मैंने, पहले कसूरी मेथी थोड़ी सी डाली थी। कसूरी मेथी का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है ब्रेड के अंदर। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर डाला है चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक ऐड किया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें आप अपने। और मोज़रेला चीज़ हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम फिर वैसे ही सेम प्रोसेस से इसको बंद कर देंगे और हाथों की हेल्प से हम इसको दबा देंगे। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, इससे क्या होता है कि आपकी स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं आती है, बहुत अच्छे तैयार होता है ये। और इसको भी हम ब्रश से हम इसके ऊपर बटर लगा देते हैं और वैसे ही सेम ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर हरा धनिया भी लगा सकते हैं। और इसको भी हमने सेम टेम्परेचर पर रख देना है ओवन के अंदर। और अगर आपको लगे कि ये थोड़ा कच्चा रह गया तो आप थोड़ा टाइम और बढ़ा सकते हैं। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारी स्टफिंग वाली है ब्रेड तैयार हो चुकी है। मैंने दोनों को इकट्ठे ही रख दिया था। अब फ्रेंड्स मैंने इसके ऊपर जो ये लाइंस आप देख रहे होंगे तो मैंने इसको लगा दी थी, बट मैं आपको कैमरे में शूट करना भूल गई, मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। तो इसको हमने पहले लगा देना है, जब ये हाफ बन जाता है ना तब उस टाइम हमने इसको कट कर देना है। 10 मिनट के बाद आप ओवन खोल के इसके ऊपर चाकू से ये निशान दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी ये गार्लिक ब्रेड तैयार हुई है और कितनी चीज़ी तैयार हुई है। चीज़ आप देख सकते हैं कैसे ये बनकर आया है। और स्टफिंग वाली वैसे ही बहुत टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स आप देखिए, इसे आप एक बार जरूर ट्राई करें घर पर, बहुत ही ईजी होती है बनानी। और बनाएं घर पर, इंजॉय करें अपने बच्चों के साथ। और आज की रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये बताने की ज़रूरत ना पड़े बार बार कि प्लीज़ वीडियो पसंद आए कि उसको लाइक करें या शेयर करें, आप खुद ही करें। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया हमारी ये ब्रेड बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल चीज़ी है। हर एक पीस के अंदर आपको चीज़ नज़र आएगा जो हमने ये डाला है मोज़रेला चीज़। और इसकी रेसिपी भी बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये चीज़ मैंने घर पर ही तैयार किया है। और फ्रेंड्स ये ब्रेड जितनी सॉफ्ट और चीज़ी अंदर से लगती है ना उतनी ही क्रिस्पी होती है खाने में, आप यकीन नहीं मानेंगे। मेरे कहने पर आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। हम लेडीज़ की यही प्रॉब्लम होती है, हम ये सोचते हैं कि ये ब्रेड का तामझाम है, घर पर नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ मूवीज़ में दिखाया जाता है। बट मैं आपको पर्सनल अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ। आप देखिए, अब मैंने ये दूसरे वाली ब्रेड ली है जो सिंपल गार्लिक ब्रेड है, इसकी भी स्टिक्स हम अलग कर लेंगे नाइफ़ की हेल्प से। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि घर पे बहुत इजी है इसको तैयार करना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स मतलब अगर आपका डो तैयार होगा ना, उसका जो रेशो होगा, जो भी हमने उसमें मटेरियल यूज़ किया है उसका रेशो अगर सही होगा ना, तो आपकी ब्रेड बहुत बढ़िया बनेगी और वो फॉर्मेट ठीक होगा। सबसे पहले जो डो है वही हमारा अच्छे से बनना चाहिए। तो गर्मियों में मैंने आपको बताया कि 2 घंटे भी आप रख लेना, उसको ओवन में रख दें आप, जब भी आप आटा लगाएं उसको ओवन में रख दें ढककर, तो आपका आटा बहुत ही बढ़िया बनता है। अगर सर्दियां हैं, विंटर का टाइम है, तो आपको क्या करना है, आप ओवरनाइट उसको रखें
चाहे आप उसको फ्रिज में रखें या बाहर रखें, वो बहुत बढ़िया बनता है आटा और ब्रेड बहुत ही अच्छी तैयार होती है। और फ्रेंड्स बार बार यही कहती हूँ कि अगर डो तैयार अच्छा होगा तो हमारी ब्रेड बहुत ही अच्छी तैयार होगी। और ओवन में भी कई लोगों को यही दिक्कत आती है कि कितना टाइम लगाएं कितना नहीं, 180 डिग्री पे आप 20 मिनट के लिए लगाएं, अगर तब भी आपको लगता है कि कच्चापन है तो आप क्या करें कि उसको प्री हीट पर रख दें, ब्रेड को रख दें। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की रेसिपी प्लीज़ बताइएगा।